हम जहाँ भी हैं सही से हैं और मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया है। और पुलिस प्रशासन से यह विनती है कि मेरे कारण किसी पे झूठा इल्जाम। शिक्षक पर चढ़ी आशिकी तो पत्नी छोड़ गर्लफ्रेंड के साथ हुआ फरार। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। अक्सर लोग प्यार में घर परिवार सबको छोड़ देते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से आए दिन इस तरह की खबरें भी सामने आती रहती है, लेकिन इस बार खबर जो सामने आई है वो लोगों को चौंका रही है। दरअसल शिक्षक पर आशिकी का ऐसा खुमार चढ़ता है कि अपनी पत्नी को छोड़ अपने गर्लफ्रेंड के साथ फरार हो जाता है। गर्लफ्रेंड बजाबता वीडियो जारी करती है और वीडियो जारी करके कहती है कि जहां भी है वो सुरक्षित है, किसी ने उसे के साथ जबरदस्ती नहीं की है और उसे ढूंढने की भी कोई कोशिश ना करे। दरअसल आपको बताते चले कि मामला बिहार के मुंगेर जिले का निकलकर सामने आया है। दो दिलों में धड़कने का नाम है इश्क, जज्बातों की आंधी है इश्क, एक दूसरे की चाहत में कुछ गुजरने का जज्बा है इश्क। इश्क सिर्फ इश्क है और जब इश्क हो जाता है तो आशिकी को कहां भाता है, सही और गलत कोई नहीं समझ पाता है। ऐसा ही मामला मुंगेर के टेटिया बबर थाना क्षेत्र के रैनिया गांव के रहने वाले शादीशुदा शिक्षक दीपक कुमार का है। उन्हें इश्क हो गया, जब उन्हें युवती से इश्क हुआ तो वो एक अलग ही दुनिया में चले गए। उन्हें केवल सिर्फ प्यार, प्रेम और प्रेम ही दिखने लगा। सामाजिक मर्यादाओं का भी उन्होंने मोल नहीं रखा। दो बच्चों के बाप होने के बाद भी वो युवती के साथ भाग गए। युवती के परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि उस पर केस दर्ज कराया गया है। अब युवती ने एक वीडियो जारी किया है। मुंगेर के टेटिया बबर थाना क्षेत्र के रैनिया गांव के रहने वाले शादीशुदा शिक्षक दीपक कुमार अपनी प्रेमिका को लेकर फरार हो गए। प्रेमिका ने वीडियो जारी कर कहा, हम जहां भी हैं सुरक्षित हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जा रही। पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज फाउंडेशन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, तो हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। क्या कुछ प्रेमिका बोल रही है अपने प्रेमी के लिए। जब प्रेमिका भागी तो उस लड़के के खिलाफ यानी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया गया और अब उस मामले पर प्रेमिका ने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके सबको ये कहा है कि वो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं आई है, वो अपने मर्जी से आई है, प्यार करती है और वो जहां भी है सुरक्षित है। चलिए हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं। हम जहां भी हैं सही से हैं और मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया है। और पुलिस प्रशासन से यह विनती है कि मेरे कारण किसी पे झूठा इल्जाम नहीं लगाइए। हम जहाँ भी हैं ठीक है, किसी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।